उस धारा के तहत जो है आपको गिरफ्तार किया गया और आप फरार चल रही हैं। एक तो पन्नालाल जो कह रहे हैं सरासर गलत है, ऐसा कहीं मेरे ऊपर में अपराध दर्ज नहीं हुआ है, और वो जो बोल रहा है मैं फरार चल रही हूँ। अपने लोगों के बीच में ऐसा हीरो बनने का प्रयास करता है जैसे हम लोग डर गए, हम लोग फरार हो गए। कहाँ फरार रहे हम लोग, कहाँ फरार रहे हम लोग? साला आज तक मेरे को कोई संबंध ही नहीं आया किसी का। एड्रेस भी है मेरे पास, मैं आ जाऊंगी, मुझे पहुंचने में समय नहीं लगता। तुम्हारी जो महिलाएं जैसे बोल रही है ना ज्योति शर्मा, हम उमन हिंदुअन, हमन आके ये छत्तीसगढ़ के अंतोला चप्पल में झाड़ू मारबो तो वो भाई। कि जिस प्रकार से आप लोग यूट्यूब पर ये जो बना बना कर डाल के जो अपने लोगों के बीच में झूठ परसोड़ते ना कि रतन यादव डर गया, ये ज्योति शर्मा डर गई, हम लोग कभी किसी से डरते नहीं, हम लोग सिर्फ डरते हैं ऊपर वाले से, हमारे हनुमान जी से। हमारा फोरम आएगा इनको पकड़ने, हलवा है क्या रे, हलवा है, चला पकड़ने के लिए, छू के दिखा, तेरी औकात तेरे को यही याद दिलाएंगे, समझ। मैं उनको बोलना चाहूंगी तो पन्नालाल इस तरीके से जो किराए पे जो बहनों को ला के जो भड़का रहे हो ना, गलत कर रहे हो, भड़काना छोड़ दो। बुजुर्ग आदमी है करके, लेकिन तू अपनी सीमा पार मत कर, समझना बात को। अरे तू क्या धमकी दे रहा है, तू क्या बता रहा है हमको कि मैं केस को वापस ले लिया, तू क्या वापस लिया? तूने फैले जा रही है ज्योति शर्मा, तो तेरे बाप का नहीं खा रही हूँ, अपने पति का खाती हूँ, तो तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? और तुम जैसे सांड लोगों से निपटने के लिए मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, और तुम लोग कार्यकर्ता को कैसे समझाऊंगा मैं? वो कार्यकर्ता का रूप हो गया, कहीं तू मिल गया, कहीं तेरे को पीट पाड़ दिया तब। इसी प्रकार से कोई अगर आपको किसी भी रूप में डराता धमकाता है या बरगलाता फुसलाता है तो रतन यादव का नंबर, ज्योति शर्मा का नंबर, रवि। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बजरंगी कहलाए जाने वाले रतन यादव जी, और साथ में भगवा ध्वज की ध्वजा फहराने वाली ज्योति शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त हम इस विषय पर, इस मुद्दे पर यहाँ पर मौजूद है कि लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखे होंगे कि 23 और 24 तारीख को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें एक पास्टर का आने का था, बलजिंदर सिंह जिसका नाम है, उनका आने पर खूब विरोध हुआ था। उस विरोध में प्रत्यारोपण बहुत हुआ, क्यों हुआ ये आखिर उनके आने पर मनाही? और उसके बाद जो है अब जो ईसाई समुदाय के जो लोग हैं लगातार ये कह रहे हैं, या एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि रतन यादव और जो ज्योति शर्मा हैं वो फरार बताई जा रही है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि वो इस वक्त हमारे साथ वीएलसी न्यूज़ के साथ मौजूद हैं। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें, कोरबा से एक शख्स है जिसका नाम अरुण पन्नालाल है, ये कोरबा से है और क्रिश्चियन फोरम का ये अध्ययनरत है। अब आप उन्होंने चैलेंज किए हैं कि अगर ज्योति शर्मा और रतन यादव के द्वारा जो है फरहारी काटा जा रहा है, और फरहारी अगर काटा जा रहा है तो आप देख सकते हैं मेरे सामने इन लोग बैठे हुए हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। पन्नालाल जी ने एक स्टेटमेंट दिए हैं खबर के माध्यम से कि अगर हाई कोर्ट इस पर एक्शन नहीं लेते, या फिर पुलिस ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि पुलिस जो है पकड़ के जो है रतन यादव और ज्योति शर्मा को जो है पुलिस हाई कोर्ट के हवाले नहीं कर रहे हैं, इस तरह से तमाम इल्ज़ाम लगे हैं, कहां तक ये बात सही है इस पर भी हम बात करेंगे। और उनका भी एक और कहना है उनका कि हमारे द्वारा, यानी कि उनके कोई ग्रुप होगा, उनके ग्रुप के द्वारा जो है रतन यादव को और जो ज्योति शर्मा को पकड़कर हाई कोर्ट में ले जाने की बात की है। तो इतना मजाक थोड़ना है कि हाई कोर्ट की बात हो रही साहब, हाई कोर्ट मजाक बात नहीं होती जिसमें आप लोग इस तरह से तर्क वितर्क करें। और रही बात ज्योति शर्मा और बजरंग दल के रतन यादव के मतलब मौजूद नहीं होने के, तो यहाँ पर मौजूद है और हम बात करते हैं सिलसिलेवार से। तो ज्योति शर्मा जी, रतन यादव जी, आपको वीएलसी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो रतन यादव जी, हम आपसे बात करें उससे पहले थोड़ा सा हम ज्योति शर्मा जी से बात करना चाहेंगे। जी ज्योति शर्मा जी, आपके ऊपर एक आरोप लगा है कि 2021 में आपने किसी के घर में जो प्रार्थना सभा हो रही थी आप वहां पर घुस के मारा पीटी करे, जिस पर FIR दर्ज हुई थी, उस FIR को लेकर जो है ईसाई समुदाय के लोगों ने आपके ऊपर कंप्लेन किए हैं, और आपके ऊपर जो है धारा लगी हुई, गंभीर धारा, और उस धारा के तहत जो है आपको गिरफ्तार किया गया और आप फरार चल रही हैं। एक तो पन्नालाल जो कह रहे हैं सरासर गलत है, ऐसा कहीं मेरे ऊपर में अपराध दर्ज नहीं हुआ है, और वो जो बोल रहा है मैं फरार चल रही हूँ,
तो भाई वो देख ले कि हम बैठे हुए हैं और ऐसा कौन सा अपराध कर लिए हैं जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि हम लोग फरार चल रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता है। मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ कि ऐसा बता दे कि ऐसा कौन सा अपराध है जिसके लिए मैं और रतन भाई फरार चल रहा है। आए दिन ये बुढ़ा आदमी बोलते रहता है ज्योति सर्मा और रतन यादव फरार है जी। तो अभी जिस तरह से एक खबर वायरल हो रही, एक नहीं सैकड़ों वीडियो जो है वायरल हो रही है, उस वायरल वीडियो में यही कहा जा रहा है उनका झूठ बोलने का काम है। जिस तरीके से वो गंदे तरीके से वो वीडियो में बोल रहे हैं, और ये जो पन्नालाल जो तू बोल रहा है ना कि फैले जा रही है ज्योति शर्मा, तो तेरे बाप का नहीं खा रही हूँ, अपने पति का खाती हूँ, तो तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? और तुम जैसे सांड लोगों से निपटने के लिए मुझे ऐसा बनना पड़ेगा और तुम लोगों को बहुत अच्छे से निपटाऊंगी। अब तू बुजुर्ग है, बुढ़ा है करके तेरे को अभी तक हम लोग कुछ नहीं बोलते थे, इसका तू पाए के लिए फायदा उठा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ पन्नालाल तेरे को। जी आप आक्रोशित हो गई हैं और बिल्कुल जी, आप इतने आक्रोशित क्यों हो गए? क्योंकि जिस तरीके उसने बोला है कि एक मतलब वो बोलते हैं ना कि हम लोग शांति प्रिय हैं, किस चीज के शांति प्रिय हैं उन लोग? हमको तो उन लोग गुंडा बदमाश बोलते हैं, तो है ना, हम लोग भगवा के लिए गुंडा है, जो हिंदुत्व के लिए बुरा सोचेगा बुरा करेगा उसके लिए गुंडा है हम लोग। उसने ऐसा बोला है कि फैलते जा रही है, कौन से शब्द होते हैं, मर्यादा में रह के बात कीजिए, नहीं तो जहां रहते हो तुम्हारा एड्रेस भी है मेरे पास, मैं आ जाऊंगी, मुझे पहुंचने में समय नहीं लगता। तुम्हारी जो महिलाएं जैसे बोल रही है ना ज्योति शर्मा, हमूमन हिंदुअन हमन आके इन्हें छत्तीसगढ़ के अंतोला चप्पल में वो झाड़ू मारबो, तो वो बहनी तुम्हारा मैं बता दूं, अगर तुमन छत्तीसगढ़ महतारी के हो तो तुम्हारे लिए बड़े दोगला तो कोनो नहीं है, तुमन अब्बड़ दोगली हो, अब्बड़ लपर ही हो कि जन तुमन ऐसा बोला था कि हमन छत्तीसगढ़ के हरा और इन्हें के हिंदुअन, तो तुम्हारा अबका पता है कि छत्तीसगढ़ के हिंदू मन जन होते हमन हवन तेर मन काकर पूजल करथन, और जन तू जेकर बढ़ते हाँ हमार पापल नहीं आवन देते, हमार ददल नहीं आवन देते करत हस ना, तो वही तोर ददा है, तो ते का के हिंदू हस छत्तीसगढ़ महतारीला बदनाम झन कर तोल मैं बतावत हूँ जी। अभी बहुत सारे जो लोग हैं लगातार जो है धर्मांतरण के मुद्दे लगा रहे हैं, उनका कहना कि हम हिंदू ही हैं, हमने धर्मांतरित नहीं किया है, लेकिन वो जो है सभा में जाते हैं जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं। क्यों करते हैं आप लोग विरोध? क्योंकि भारत जो है धर्मनिरपेक्षता देश है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता देश में रोक टोक क्यों? हम लोग रोक टोक इसलिए करते हैं जिस तरीके से ये हमारी हिंदू बहनों को और बेटियों को बरगला के जो घर तुड़वा रहे हैं, सबके घर टूटते जा रहे हैं। आज जितनी महिलाएं जाती हैं उसमें 80% देखिएगा सब अपने पति से अपने परिवार से अलग हो गई है। ये पादरी और इनके चक्कर में पूरे घर से दूर हो गए, पतियों से लड़ते हैं, उनके ऊपर में केस कर चुके हैं। तो इसलिए हम विरोध करते हैं कि हमारा जो हिंदू समाज है, हमारी बहन बेटियाँ हैं जो गृहस्थ जीवन में हैं, वो इस तरीके से अपने घर को ना तोड़े, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं उनका ये जो चंगाई सवा जो बोलते हैं उसका जी। अभी लगातार ये भी देखा जा रहा है कि महिलाएं जो है झाड़ू से मार दिया गया, नानम प्रकार के आपके लिए जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है उसमें एक नफरत की जो रूपरेखा तैयार हो रही है। नहीं तो ये जो कुछ लोगों को किराए पे लाके जो पन्नालाल जो करवा रहा है, तो पन्नालाल को मैं कहना चाहूंगी कि मेरी हिंदू बहन है मेरे साथ तो ऐसा करेगी नहीं जो एक्चुअल में हिंदू है। हाँ जो बाप बदल लिए हैं, अपने बाप को छोड़ के दूसरा बाप बना लिए और अपने आप को हिंदू, फिर वो ना कहे, मैं उनको बोलना चाहूंगी। तो पन्नालाल इस तरीके से जो किराए पे जो बहनों को ला के जो भड़का रहे हो ना, गलत कर रहे हो, भड़काना छोड़ दो। और चप्पल और झाड़ू, मैं तो सीधा हाथ में तलवार रखती हूँ, तुम काहे चप्पल और झाड़ू से मुझे डरा रहे हो? मेरा सारा यूट्यूब जो देखते हो तुम लोग, मेरा फेसबुक से चोरी करते हो उसमें दिख जाएगा ना, मैं तो सिर्फ तलवार लेके चलती हूँ और तुम ही लोग बोलते हो ये तो सिर्फ मारने काटने का बात करती है। तो मैं ऐसा किसी को डराती नहीं हूँ, मैं सीधा मारती हूँ, इस चीज को याद रखना। मारना काटना कहाँ तक सही है? जब हिंदू समाज के ऊपर में भगवान ने भी कहा है, जब हमारे शास्त्र में लिखा है कि अगर हमारे समाज को, हिंदू समाज को अगर कोई घात करता है तो शस्त्र उठाना जरूरी है, इसलिए मैं उस गीता के राह पे चलती हूँ, अगर अधर्मी पैदा हुए हैं तो मुझे उनको मारना पड़ेगा हिंदुत्व के रक्षा के लिए। हजारों लाखों हिंदू महिलाएं हैं, लेकिन आपने हिंदुत्व का बीड़ा आप अकेले महिला उठाई हैं और सैकड़ों बजरंगियों के बीच में आप अकेले महिला चलती, इस पर क्या कहना? मैं सभी
दीदियों से, हिंदू दीदियों से कहना चाहूंगी कि भाइयों के साथ खड़ा होना सीखिए। जिस तरीके से अन्य समुदाय के लोग अपने भाइयों के साथ में खड़े होते हैं, वैसे मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि घर से निकलिए। आप घर में लड़ रहे हैं पति से, देवर से, देवरानी से, उसको छोड़िए। इन अधर्मियों से लड़ने के लिए निकलिए, भाइयों के साथ हिंदुत्व के रक्षा के लिए कंधा से कंधा मिला के चलिए। और मैं, अगर भगवान ने मुझे चुना है इस चीज़ के लिए, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं अपने बजरंगी भाइयों के साथ में खड़ी होती हूँ। धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से अभी माहौल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, आप विचारधारा को लेकर चलती हैं, छत्तीसगढ़ में शासन भी बीजेपी का है, वो भी भगवा ध्वज के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों का जो समावेश है, जो बराबर की जो भागीदारी होती है, उसमें बराबर क्यों नहीं बैठता? क्यों आप लोग एक ध्वज लेकर चल रहे हैं लेकिन आपको सहयोग का समर्थन नहीं मिलता? ऐसे में आप अकेले चलते हैं, एक महिला है, तो बहुत सारी चीज़ें, कई लोग ने खबर के माध्यम से ये भी कहा है कि ज्योति जी आप अकेले चलते हैं, इस बात को भूलिए मत, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एक अलर्ट है, एक चेतावनी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अकेले चलती हूँ, मेरे साथ में मेरे भगवान है, मेरे इष्ट है, मेरे हनुमान जी है, इस चीज़ को वो याद रखे। रही शासन की बात, तो है जरूर भाजपा की सरकार है, हिंदूवादी सरकार बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शासन में आने के बाद इन लोग हिंदुत्व को भूल जाते हैं। मुझे ऐसा अब महसूस हो रहा है कि जो हिंदुत्व के नाम के लिए आ रहे हैं और हम हिंदूवादी को ही और हिंदुत्व का जो कार्य कर रहे हैं उनको ही ये भूल जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा इनका सॉफ्ट हो जाता है, अन्य समुदाय के लिए हम हिंदू लोग भी इनको विरोधी लगने लग जाते हैं। मुझे तो ये अब महसूस हो रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ शासन से। जी, अभी कवर्धा में भी लगातार जो क्या बोलते हैं, अभी जो वर्तमान जो मंत्री है उनके भी जो है पुतला दहन किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही और क्यों हो रहा है? विजय भैया के लिए ऐसा तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, विजय भैया ने, कि उन्होंने बताया कि इन लोग जिस तरीके से हालेलुया हालेलुया बोलते हैं उसके लिए उन्होंने कहा है। आप लोग उसका मीनिंग क्या समझते हैं, उनका पुतला क्यों फूंक रहे हैं, वो आप लोगों का है। और जिस तरीके से इन लोग, वो एक हिंदूवादी विचारधारा के हैं विजय शर्मा, इसलिए उनके पीछे इन लोग हाथ धो के पड़े हैं, बाकी नेताओं के पीछे हाथ धो के नहीं पड़े हैं। ये भी देखिएगा, सिर्फ विजय शर्मा के का ही पुतला फूंका जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो ये मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूंगी जो मूक बगीर बन के बैठे हुए हैं, अन्य नेता लोग, षड्यंत्र नजर आ रही है आपको? बिल्कुल षड्यंत्र है। किस तरह का षड्यंत्र? एक हिंदूवादी विचारधारा के नेता हमारे होम मिनिस्टर है, हमारे गृह मंत्री बने हुए हैं हमारे भाई, तो कुछ भी करके जो अपने दिमाग में सबको लेके चलते हैं, नहीं मुझे भाईचारा निभाना है, जो अन्य नेता हैं उनको, हो सकता है विजय भैया से हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है उनके पेट में दर्द हो रहा है। जी, मैं फिर से मुद्दे को पहले की तरह लेके आ रही हूँ, वापस चल रही हूँ। हाई कोर्ट में जिस तरह से आप लोगों को फरहारी काटने की जो बात बता रहे हैं, ये हाई कोर्ट नहीं हुआ जैसे कोई चनमुरा की दुकान हो गई, तो हाई कोर्ट को इतनी, मतलब इतने हल्का में लेकर बिना तथ्य के या तथ्यों के आधार पर वो बात कर रहे हैं कि क्या है, मतलब एक्चुअल में क्या है? क्योंकि जिस तरह से ऑडियंस जो देख रहे हैं, ऑडियंस जो लगातार समाचारों के माध्यम से जो देख रहे हैं, ऑडियंस भी जो पब्लिक है वो भी गुमराह में है कि आखिर जो हाई कोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है, कुछ लेटर भी पारित हुआ है, उस लेटर में भी कुछ ऐसा कुछ बताया जा रहा है, तो इसमें कहां तक सच्चाई है? कानून का आदर करते हैं बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि इन लोग कानून का आदर करते हैं। और कौन सा अपराध की ये बात कर रहे हैं, वो पेपर को, उस जो बोलते हैं ना हाई कोर्ट में हुआ है, तो उस पेपर को वो सार्वजनिक तो करें, हम भी अपने आँख से पढ़े, हमारे माँ बाप लोग इतना खर्च करके पढ़ाए हैं तो कम से कम उतना तो मैं भी पढ़ सकती हूँ कि भाई ऐसा कौन सा अपराध किए हैं जिसके इन लोग हाई कोर्ट गए। और हाई कोर्ट ने कहा है कानून को इन लोग सिर्फ तमाशा बना के रख दिए हैं, तो मैं तो सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करना चाहूंगी कि इन जैसे लोगों को जो कानून को, न्याय को जो खेल बना लिए हैं, इनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो अभी क्या प्रतिक्रिया आप लोग की तरफ से? प्रतिक्रिया तो यही है कि मैं ज्योति शर्मा और रतन यादव मेरे भाई, हम दोनों बैठे हैं, फरार कहीं नहीं है, जिस प्रकार से मुझे जेल में और ये फरार में बोले जा रहे हैं, ऐसा हमने कोई अपराध नहीं किया है, हिंदुत्व के लिए हम लोग खड़े होते हैं और आगे जीवन जब तक रहेगा, भगवान की कृपा जब तक रहेगी, हम हिंदुत्व के रक्षा के लिए, अपने भगवा ध्वज के लिए खड़े होते रहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी, पन्ना लाल को एक संदेश देना चाहूँगी, पन्ना लाल अब बोलना छोड़ दे, नहीं तो अब तू मुझसे पीटेगा, रोको टोको ठोको जो मैं बोलती हूँ ना,
अब तेरी बारी आ गई है कि अब तू ठुकेगा मुझसे, मैं कोरबा आ जाऊंगी, टाइम नहीं लगता मुझे कोरबा आने में, वहां पूछ लेना मेरे बजरंगी भाइयों से कि दीदी कितने बार आती है, बता देंगे तुमको जी। तो ज्योति शर्मा जी, जिस तरह से आपने बेबाक इस तरह से बात की, मारने ठोकने की बात, तो चलिए ठीक है, हमारा काम है खबर लेने के था। रतन जी, आपको जो फरहारी काटने की जो बात या वीडियो जो वायरल हो रही है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्योंकि आप यहाँ पर साक्षात मौजूद हैं और आपको फरहारी बताया जा रहा है, आप डर गए ईसाइयों से, आपको मारने का भी मतलब तरह तरह की बातें हो रही है, जिसको मतलब बहुत सारी बातें हैं जिसको हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या आपने किए हैं कि आपको फरहारी बता रहे हैं लोग, और ये बजरंग दल का धूम धड़ाका जो है ये क्या है? ये बजरंग दल का जो धूम धड़ाका है वो आपको नजर आ ही रहा होगा, अब ये 15 दिनों के भीतर जो चल रहा है यही धूम धड़ाका है, हम अपने स्टाइल पे ही काम करते हैं। दूसरा चीज, ये कोई कहीं चल नहीं रहा है जी। एक मिशनरी है, क्या नाम है उसका, अरुण पन्नालाल, ये क्रिश्चियन फोरम का अध्यक्ष है, शायद रायपुर में या कोरबा जहाँ भी रहता होगा, ये इसकी शुरू से आदत है झूठ बोलने की जी। और ये झूठ बोल के अपने समाज के लोगों में हीरो बनने का प्रयास करता है जी। वो 70-80 साल का बुढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी है, अब कुछ नहीं करते उसको, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे सर पे चढ़े। हमारी बहन के लिए जो शब्द का प्रयोग किया उस बुढ़ऊ ने ना, बहुत गलत किया उसने जी। ये ज्योति शर्मा ज्यादा फैल रही है, ये शब्दों का प्रयोग उसको शोभा देता है क्या? हमारे कार्यकर्ता आक्रोशित है, कहीं ये ना हो कि उसको एकाध झापड़ मार दे कोई। इस प्रकार के बयान देने से बचना चाहिए। चन्ना पन्ना चन्ना, तेरे को समझा देता हूँ मैं, सुन ले, बुजुर्ग आदमी है, इज्जत करते हैं तेरी कि तू छोटा मतलब बुजुर्ग आदमी है करके, लेकिन तू अपनी सीमा पार मत कर, समझना बात को। अरे तू क्या धमकी दे रहा है, तू क्या बता रहा है हमको कि मैं केस को वापस ले लिया, तू क्या वापस लिया, तूने तो अनाप शनाप हमारे बारे में बोला था ना, मैंने सारे जिला केंद्रों में तेरे नाम से FIR करने का आवेदन दिया है, आज भी कल खुलवा के सभी थानों में तेरे खिलाफ FIR करवाने वाला हूँ, समझ रहा तू? फालतू बात करता है, अपने समाज के लोगों के बीच में हीरो बनना, इसको ये हीरो बनता है बुजुर्ग आदमी। ये जो हमारे अजय चंद्राकर जी हैं मंत्री जो जी, कुछ दिनों पहले एकदम स्पष्ट बयान दिए थे कि सबसे बड़ा दलाल और सबसे बड़ा धर्मांतरण का अगर कोई व्यक्ति है जिम्मेदार तो वो अरुण पन्नालाल है जी। ये इस प्रकार से बातें करता है, समाज में विद्रोह की बात करता है। अभी देखो क्या बोलता है, एक संविधान की बुक उठा लिया, बताता है ये ऐसा है, कोर्ट अगर नहीं देगा, पुलिस नहीं पकड़ रही है, तो हम लोग हमारा फोरम आएगा इनको पकड़ने। हलवा है क्या रे? हलवा है, चला पकड़ने के लिए, छू के दिखा, तेरी औकात तेरे को यही याद दिलाएंगे, समझ रहा है? बैठ करके बहुत ज्यादा बोल बचन करने लगा है तू, बेवकूफ इंसान कहीं का। ये कुल मिला के झल्लाहट है, ये जो पास्टर को आने नहीं मिला जी। और ये सब एक हो जाते हैं इस टाइप के कामों में, हमको डरा नहीं सकते तुम जेल वेल से, समझ रहा है? हम लोग डरते वरते नहीं है किसी जेल वेल से, इन लोग अपने समाज के लिए काम करते हैं और हम अपने समाज के लिए जान देने तैयार बैठे हैं। ये जेल वेल की बात नहीं करना हमसे, हमको डर नहीं लगता है सब चीजों से, हमको भी कानून मालूम है, जितना कानून तू जानता है उतना कानून हम लोग भी जानते हैं, चला जा फेस टू फेस कानून से, कानून लड़ने के बहुत तेरे को समझ में आ रहा है, तो उल्टा सीधा बोल के माहौल खराब कर रहा है तू। कार्यकर्ता को कैसे समझाऊंगा मैं, वो कार्यकर्ता का रूप हो गया, कहीं तू मिल गया, कहीं तेरे को पीट पाड़ दिया तब, ये सब चीज से तेरे को बचना चाहिए, मैं बोल रहा हूं रतन यादव जिम्मेदारी के साथ। फालतू की बात करता है वहां बैठ करके, मैं क्रिश्चियन फोरम का फलाना, मैं ठिकाना, माहौल को खराब करता है, अपने लोगों के बीच में ऐसा हीरो बनने का प्रयास करता है जैसे हम लोग डर गए, हम लोग फरार हो गए। कहां फरार रहे हम लोग, कहां फरार रहे हम लोग, साला आज तक मेरे को कोई संबंध ही नहीं आया किसी का, मैं कहां से फरार हो गया, कुछ भी बोलता ही है। अगर कानून से लड़ना है तो हम लड़ेंगे ना, जितना कानून की ज्ञान उन लोग रखते। एक चैनल वाला बोलता है, वो बाइबल फैक्ट टीवी है एक, वो बोलता है कि 40 वकील का नाम जब पास्टर बजिंदर ने लिया तो रतन यादव डर गया। अबे हलवा है क्या बे, रतन यादव डर जाएगा तेरे 40 वकील से? 100 वकील लगा दू, मेरा एक ही वकील काफी है तुम लोगों के लिए, ध्यान रख लेना मेरी बात को, हम डरने वालों में से नहीं है, हम डराने वालों में से है, ध्यान रखना मेरी बात को। हमारे शालीनता को आप कमजोरी समझ रहे हैं, आप मान के चलिए कि जिस प्रकार से आप लोग YouTube पर ये जो बना बनाकर डाल के जो
अपने लोगों के बीच में झूठ परसोड़ते ना कि रतन यादव डर गया, ये ज्योति शर्मा डर गई। हम लोग कभी किसी से डरते नहीं, हम लोग सिर्फ डरते हैं ऊपर वाले से, हमारे हनुमान जी से, बाकी किसी से नहीं डरते ना, ध्यान रखना। और कानून को, जहां तक कानून की बात है, हम कानून सम्मत कार्य हमेशा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं जी। और जहां पर हमको लगता है कि गलत कहीं पर कार्रवाई है, लोगों ने जबरदस्ती दबाव बनाकर कराया, तो वहां हम विरोध भी दर्ज कराते हैं, ये हाईकोर्ट चले जाते हैं। इनको लगता है पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो कोर्ट इनके इनका 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 बाप कहेगा, कोर्ट कोर्ट इनका जितना है उतना मेरा भी है, ये 40-50 वकील से कुछ होने जाना नहीं है। अगर आप गलत हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा, यही विषय को लेकर आज मैं बैठा हूं, बताने के लिए पूरे समाज को कि ये ईसाई चैनल वाले हैं जितने भी हैं, सब ये लोग बोल रहे हैं फरार फरार है। हम लोग फरार नहीं है भैया, हम लोग यही है। और वो कौन किसको फोरम वाले को भेजूंगा बोलता है ना, चल भेज के दिखा किसको भेजने वाला तू हमको गिरफ्तार करने, भेज के दिखा, तेरे को बताता हूं तू आ, तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं, चला। आपके हिंदू ही ये कहते हैं कि अगर बलजिंदर सिंह के आने से आप लोगों को तकलीफ है, तो अगर हमारे हिंदू धर्म के, यानी कि आपके हिंदू धर्म के, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी आते हैं या पंडित प्रदीप मिश्रा जी आते हैं, तो उन पर क्यों रोकने लगाया जा रहा है, इस तरह का जो है आपके हिंदू समाज के लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। वो मूर्ख है जो बोल रहा है जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी हो चाहे वो प्रदीप मिश्रा जी हो, ये कहाँ क्रिश्चनों को बुलाते हैं, आप देखिए उनके सब उनके कार्यक्रमों में जाके देखिए कहाँ पर ईसाई जाते हैं उनके यहाँ, कहाँ कोई मुसलमान जाता है उनके यहाँ, समस्त हिंदू समाज के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। और इनके कार्यक्रम में जाके देखो आप देखो इनके कार्यक्रम में ईसाई नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ हिंदुओं को बुलाते हैं लोग, जानबूझ के, कमजोर आर्थिक रूप से, कमजोर थोड़ी सी बुद्धि से, कमजोर थोड़ा कम पढ़े लिखे लोगों को ये लोग बरगलाने में आसानी के साथ अपना काम कर लेते हैं, ये अंधविश्वास फैलाते हैं, इसको ठीक करना, उसको ठीक करना, चमत्कार। इसी का विरोध हमने किया कि हमारे समाज के लोगों को आप नहीं बुलाएंगे, जो 10-5% तुम्हारे जो ईसाई है उनको आप एकत्रीकरण करके आपको जो कार्यक्रम करना करिए, आप समाज हिंदू समाज के लोगों को नहीं बुलाएंगे। अब आप बोलेंगे कि वो अपने मन से आता है, तो हम मन से भी नहीं आने देंगे उनको, क्योंकि हमें अपना धर्म बचाना है, उनको ज्ञान नहीं है, हमको समझाना है, तुम्हारी चालाकियों को समझाना है, तुम्हारे षड्यंत्रों को समझाना है हमको उनको, इसलिए ये हम युद्ध छेड़ के रखे हैं। हमें कोई पास्टर बिरिंदर से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर हमारे धर्म के खिलाफ कोई कार्य होगा तो हम इसको रोकेंगे, टोकेंगे, ठोकेंगे भी, यही हम लोग कहते हैं। तो रतन यादव जी, जिस तरह से आप लोग ने नारा चलाया कि रोकेंगे, टोकेंगे, ठोकेंगे, तो रोकना तो देख लिया, छेकना भी हमने देख लिया, तो क्या अब वो एक्शन देखने को मिलेगा कि 100% एक्शन मिलेगा? क्या वो समय आ चुका है? 100% आ चुका है समय जी। हम कानून को हाथ में डायरेक्ट नहीं लेते हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, कानून का पूरा सम्मान होता है जी, लेकिन जब कोई कानून को धता बताते हुए अगर वो हमारे समाज के लोगों को बरगलाएगा, फुसलाएगा, उसको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं समझ रहा है, तो शास्त्रों में लिखा है जी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए इनको लतियाना जरूरी है। इसलिए हमने पूरे छत्तीसगढ़ के सभी गांव में अपने प्रहरियों को खड़े किया है, अपने बजरंगियों को हमने खड़े किया है, कहीं भी संदिग्ध व्यक्ति आए तो उनको तत्काल रोको, गांव में प्रवेश वर्जित करो इनका, ये हमारे लोगों के बीच में ना जा पाए। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कई परिवार टूट रहा है, आंख से आंसू छलक जाते हैं, बच्चे अलग हैं, पति पत्नी तलाक की स्थिति में आ गए हैं, ये जितने भी जो सब हो रहे हैं ना, इससे दुख होता है हमको। और उसके बाद अगर कोई बोलता है कि इनको ज्यादा ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, अरे आप अपना काम करिए ना, हम तो कभी नहीं जाते तुम्हारे यहाँ, तुम हमारे यहाँ लोगों को क्यों घर घर जाकर पुस्तक बाइबिल बांटते रहते हो, हमारे यहाँ गीता नहीं है, हमारे यहाँ रामायण नहीं है, ये फालतू की बातें जो षड्यंत्र करते हैं ना, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, सुधर जाओ तुम लोग, सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने में हिंदू समाज आ चुका है, अब जाग भी गया है, तुम जहां भी कुछ करोगे वहां हमारा समाज खड़े होकर के तुम्हारा प्रतिकार करेगा, और बजरंगी भाई लोग जितने भी हैं वो तो तैयार है ही। हमने 4-5 जो पास्टर हैं, जो फादर हैं, हमने उनसे बात किए हैं,
हमने उनसे भी मुलाकात की और बहुत सारी बातों को आपके तरफ से हमने रखे भी, तो उनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ों को वो नहीं जानते, जैसे धर्मांतरण घर में जाके कर रहे हैं, लोगों को वो बरगला रहे हैं, उनका कहना कि इसके बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं है। मेरे को ज्ञान नहीं है, उपाधरी को ज्ञान है। वाह अरे वाह, धर्मांतरण का ज्ञान। अरे षड्यंत्र मत करो पादरी भाइयों, आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये हमारे समाज के बीच में षड्यंत्र करना छोड़ दो, हमें ज्ञान नहीं है। वो जो घर में जा रहे हो, उस घर में वो जो महिला है, जब से वो जाना चाह रही किस चर्च में जी। क्या पाठ पढ़ाते हो उसको कि अपने घर के देवी देवता हमारे हिंदू समाज के पूर्व बाहर निकाल के रख देती है वो, और एक क्रॉस लगा देती है, उसके बाद भी माना मैं समझू ना कि तुम क्या षड्यंत्र कर रहे हो मेरे समाज के ऊपर में। आप देखिए, मैं आपके घर की बात कर रहा हूं, आपके घर की बात। आप जा करके पता करिए अपने गांव मोहल्ले के अंदर में, जो चर्च जाता है उसके घर में आपको हिंदू देवी देवता के फोटो नहीं मिलेंगे। इसके बाद ये बोलते हम नहीं समझते कुछ, ये झूठ बोलते हैं, इनका झूठ अब बेनकाब करने का समय आ गया। और ये 3 साल से हम जो भिड़े हैं ना, ये ऐसे ही नहीं भिड़े हैं, सर पे कफन बांध करके भिड़ चुके हैं। जो होगा देखा जाएगा, आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार खड़े हैं जी। तो जो पन्नालाल जी ने जो आप लोग के ऊपर इल्जाम लगाया, वो घटिया आदमी है कि आप लोग फरारी काट रहे हैं। पन्नालाल बहुत बड़ा घटिया आदमी है, मैं बता रहा हूँ, पन्नालाल बहुत बड़ा घटिया आदमी है। वो बेवजह का घटिया बात करता है, बुजुर्ग आदमी है, अपने उम्र का लिहाज रखे वो। जिस तरीके से हमारे चैनल में जो चल रहा है उसको हमारे बजरंगी भाई देख के आक्रोशित है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर कुछ अटैक की स्थिति आ जाए। तो कोई बात और बयान करने से पहले 4 बार सोचना है उसको। दूसरा चीज, लड़ना है तो कानून के तरफ तो हमसे लड़ना, हम तो तैयार लड़ने के लिए। उनाप सनाप क्यों उल्टा सीधा बता रहा है तू? हमारी बहन के बारे में गंदे शब्द का प्रयोग किया है, सुन ले पन्नालाल, ये फैलने वाले का जो शब्द किया है ना, ये गंदे लोगों का काम है, और तूने किया है तो इसका तेरे को 100% जवाब दिया जाएगा, ये मैं तुमको बता देता हूँ। रतन जी, ये जो सुलगती आग है वो कब बुझेगी? कभी नहीं बुझेगी जब तक ये नहीं सुधरेंगे। ये अगर नहीं सुधरेंगे तो हम अपना काम जारी रखेंगे, अगर ये सुधर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने रास्ते जाए, अपने धर्म का प्रचार करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई आसार तो नजर नहीं आ रहा है कि आग बुझेगी और ये जो धर्म? नहीं तो ये लोग बोलते हैं हम लोग को गुंडे, ये लोग गुंडे नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं है। उस दिन पन्नालाल जो बोल रहा था, अब इन लोगों को बहुत हो गया, अब हम लोग जाएंगे इनको पकड़ के लाएंगे, गुंडागर्दी है। पकड़ के लाओगे क्या? हम लोग हलवा है क्या? आप पकड़ के देखना, पता लग जाएगा तेरे को। आ किसको भेजेगा? भेज, हम यहीं खड़े हैं, मैं रहता हूं दुर्ग में, ये रहती है भिलाई में, आ जा पकड़ के दिखा जी। तो जो धर्मांतरित होते हुए जो हिंदू है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वो मेरे भाइयों को? मैं संदेश देता हूं, मैं अपने भाई बहनों को संदेश देना चाहता हूं जी, इनके बहकावे में मत आओ जी, ये किसी के नहीं होते हैं, ये सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आप अपने धर्म को मत भूलिए, सनातन धर्म में जो ताकत है वो किसी में नहीं है, ये तो सब बाद में आए हुए लोग हैं। ये बार बार बोलते हैं जिंदा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, ये इस टाइप का माहौल बनाते रहते हैं। सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो है सनातन धर्म। हमारे सबसे बड़े देवों के देव हैं महादेव, बजरंगबली, माँ दुर्गा, इसी की स्तुति करो, दिल से करो, कभी तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन लोगों के चकल्लस में भटको मत, अपने धर्म को बदनाम मत करो, इतना ही मैं निवेदन अपने भाइयों से करना चाहता हूँ। रतन जी, आप लोग की तरफ से क्या कोई हेल्पलाइन तैयार किया गया है कि हिंदू को अगर कोई परेशानी हो तो संपर्क बना सके, या कोई भी प्रकार से ऐसी व्यवस्था? तो किस तरह की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा तैयार किया गया, अगर कोई भी हिंदू को अगर परेशानी होती है तो आप लोग से संपर्क साध सके? देखिए, मैं इससे पहले विश्व हिंदू परिषद का मैं काम देखता था जी, उसमें मैंने जारी किया था, लेकिन फिलहाल अभी मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का प्रदेश प्रमुख हूँ जी। तो मैं बजरंग दल में, हम अभी एक हेल्पलाइन भी जारी करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिस तरीके से ये चल रहा है जी, जिस तरीके से ये चल रहा है, तो उसमें हमको लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें एक हेल्पलाइन भी जारी करना चाहिए, ताकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको तकलीफ होती है। और एक चीज और बता रहा हूँ, हमारा नंबर एकदम सार्वजनिक है, हमारा नंबर पूरे भारत में फैला हुआ है, हम किसी से डरते नहीं है जी। हमको 2-4 बार फोन फान सब आया है जी। लेकिन मैं बताता नहीं हूं किसी को जी। इनके लिए मैं अकेले काफी हूं, मेरे भाई काफी हैं जी। मेरे बजरंगी भाई काफी हैं इनके लिए जी। ये नंबर सार्वजनिक है। रतन जी, एक और मामला सामने जो आया था कि गुजरात के कोई मिशनरी है,
मिशनरी लोग कहना चाहिए जो आपके विरोध में थे, लेकिन बलजिंदर के अपोजिट कैसे हो गए और वो आपके फेवर में उतर गए। आपका कहना है कि रोको टोको ठोको के नारे के साथ उन्होंने एक नारा दिया है, शायद आप सुने होंगे इस खबर को। हाँ मैंने भी देखा, वो तो उनसे तो हमारा झगड़ा हुआ, इसके खिलाफ तो हमने कंप्लेन भी दर्ज कराया है जी गुजरात के लोगों के पास। हाँ जी, तो वो गुजरात के चैनल वाले के ऊपर हमने अपराध भी दर्ज कराया है जी। लेकिन बीच में जब हमने विरोध शुरू किया बजिंदर पास्टर का, तो उनका विषय हमने यूट्यूब पे देखा, हमारे लिए उन्होंने कुछ ऐसा शब्द किया कि आप लोग रोकेंगे टोकेंगे तो हम आपको नहीं रोकेंगे, आपको जहाँ ठोकना पीटना है पीटिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है वो निश्चित ही ईसाई समाज को बेवकूफ बना रहा है। तो अपने समाज के पक्ष में इस आदमी ने बात रखा, तो हमको उससे अभी कोई तकलीफ नहीं है। वो अगर हमारे बारे में कुछ बोल रहा है या कुछ कर रहा है तो वो उनका आउटलुक है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे हिंदू समाज के लोगों को आप बरगला फुसला नहीं सकते, इसलिए इस विरोध को हम जारी रखे हैं। और इसमें कई मिशनरी लोग भी हैं जो पीछे से कहीं ना कहीं क्लू देते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये आदमी सही नहीं है, तो उनके अंदर में भी तो बहुत लड़ाई चल रहा है ना। रतन जी, जानकारी मिली कि बहुत सारे मिशनरी जो है ईसाई समुदाय के लोग हैं आपसे संपर्क भी बना रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं जो गलत है उन चीज़ों के बारे में, तो क्या बातें सही हैं? नहीं देखो, एक दो लोग हैं, कुछ पास्टर, मैं नाम नहीं बताऊंगा जी, वो कुछ बातों को तो हमको जानकारी दे रहे हैं कि कुछ लोग जो है समाज को गलत तरीके से भड़का रहे हैं जी। और आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को भी लगता है कि अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं करके जी। और धर्मांतरण के खिलाफ हम लोग भी हैं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उनको हम टारगेट करके उनकी ऐसी की तैसी करने में लगे हम लोग जी। हम सभी ईसाई के खिलाफ में नहीं है, जो नहीं कर रहा है उसको हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जो इसके अंदर षड्यंत्र में शामिल है वो सब धीरे धीरे अब बाहर आने लगा है। पहले तो हम मिशनरी हमसे बात नहीं करते थे, अभी तो एक दो लोग संपर्क में आए हैं जो गुप्त रूप से हमें जानकारी दे देते हैं कुछ कुछ चीज़ों का, तो हम लोग भी ध्यान में रखते हैं कि हमें करना क्या है। हम पूरा उनके ऊपर भरोसा भी नहीं करते जी, क्योंकि वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, हो सकता है कि वो लोग अपना चाल चल रहे हो जी, लेकिन हमारा कान नाक आँख सब खुला हुआ है, हम तो सीधा सभी को जानते हैं, सभी की सुनते हैं, करते हम अपने मन का है जी। जो हमको सही लगता है हम वही करते हैं, लोग 50 प्रकार की बातें करते हैं उस पर हम नहीं जाते हैं, हमको जो करना है हम तय करते हैं आपस में बैठ करके। हमारी कोर टीम है, जय जैन साहब है, हमारे गौतम भैया है, रवि निगम है, दोची दीदी है, मैं हूँ, ऐसा विकास ठाकुर है, चंदन है, ऐसे कुशल तिवारी है, ऐसे हमारे मेन जो मुखिया है रवि भारती वारती, मिला करके हम सब बैठ के सब चर्चा करते हैं इस चीज़ों पर कि आगे हमको कैसे जवाब देना है इनको। तो अभी जो आप लोगों की जो तैयारी चल रही है प्रोग्राम को लेकर और जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं और आपको जो पूरा भारत के लोग जानने लगे हैं, गौतम जैन जी मौजूद है, इनको जो है धर्म की बहुत बड़ी जवाबदारी मिली है हिंदू समाज की, उनको जटायु के रूप में माना जाता है और उनके जो आदेश है वो सर्वोपरि रहते हैं और बहुत ही शांत प्रिय है, लेकिन जब भी समाज में इस तरह से उथल पुथल होता है तो वो अपनी राय जरूर देते हैं जी। गौतम जी, जिस तरह से आपको धीर गंभीर माना या देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से रतन यादव जी को और जो ज्योति शर्मा जी है उनको फरहार बताया गया है, तो इसमें आप लोगों का जो रवैया है और जो आप लोगों का मूड है, खासकर बजरंगियों का दिमाग, दीदी जो आप दीदी ज्योति शर्मा बोलते हैं उनके लिए जो अशब्द शब्द इस्तेमाल हुआ है उस पर आप लोग काफ़ी नाराज हैं, इस पर आपका क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो पन्ना लाल जो हैं बुजुर्ग आदमी होने के बाद इस टाइप की बात बता रहे हैं कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी गलत बात है जी। इसको हम लोग इज्जत कर रहे हैं बुजुर्ग के कारण, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे हमारे चढ़ जाए, है ना। इनको अभी भी हम लोग चेतावनी देते हैं, बजरंग दल वाले जो भी है, और हम लोग पर्सनली भी चेतावनी देते हैं, इस टाइप की हरकत किया हमारी बहनों के लिए या जो भी बातें किया इसने, इसको हम चेतावनी देते हैं कि या तो सुधर जाए और या तो फिर वो तत्काल अपने उसमें प्रभाव में आकर बताएंगे फिर उनको क्या करना है हमको आगे। हिंदू समाज को जहाँ तक हम अंतिम सांस तक हम हिंदू समाज के लिए काम करते रहेंगे, हमें यहाँ पर किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ये तो शरीर और ये जो जन्म हुआ है, भगवान ने सौभाग्य की बात है कि हिंदू जन धर्म में हमारा जन्म हुआ, गर्व से हम हिंदू अपने आप को कहते हैं। और इसमें जो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम सही हैं तो वो हमसे जुड़ता चला जा रहा है। आज हजारों की संख्या में हमारे पास लोग हैं, तो कोई संगठन को देख के नहीं है जी। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसको देख करके हमारे साथ आज हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो ही चाहते हैं कि कोई तो ऐसा नेतृत्वकर्ता मिले
कि जो इनको सबक सिखा सके। रतन जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से आप लोगों को किस तरह से सुविधा या सहयोग मिल पाता है? नहीं देखिए, हम लोग तो राजनीति से दूर रखते हैं अपने आप को, पहला चीज, और हम किसी से अपेक्षा करते भी नहीं है। हमें अपेक्षा अपने भाइयों से है, अपने जो लोग हैं उनसे हम अपेक्षा रखते हैं। और रही बात ये राजनीति करने वाले लोग, ये इनसे अगर आप उम्मीद करोगे तो मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है। वो जहाँ उनको सही लगेगा वहाँ वो लोग करेंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उम्मीद करता हूँ कि हिंदुओं के हित में काम करें। अगर हिंदुओं के हित में काम नहीं करेंगे तो जैसे आए वैसे चले भी जाएंगे। तो ये सब विषय पर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं राजनीति से अपने आप को बहुत दूर रखता हूँ। जी, आप अपनी जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ये धर्मांतरण के जाल में फंसना छोड़ दे, और किसी से डरना नहीं। किसी प्रकार से कोई अगर आपको किसी भी रूप में डराता, धमकाता है या बरगलाता फुसलाता है, तो रतन यादव का नंबर, ज्योति शर्मा का नंबर, रवि निगम का नंबर, रवि भारती का नंबर, गौतम जैन का नंबर, चंदन राजपूत का नंबर, विकास ठाकुर का नंबर, कुशल तिवारी का नंबर आप लोगों के पास में है, क्योंकि हमने इस नंबर को सार्वजनिक करके रखा है। आप सीधा संपर्क करिए, हम एनी टाइम आपको इस विषय पर पूरी मदद करेंगे। ये हमारा आपका वादा है, और आपसे निवेदन है अपने धर्म का मजाक ना बनाएं। और अपने धर्म के लोगों को मैं एक बात और बोलूँगा कि किसी के धर्म में जाकर के अपने धर्म को मजाक ना बनाएं। हमारा धर्म सबसे बड़ा है, सनातन धर्म ही सब कुछ है। महादेव, देव के देव महादेव की कृपा सब पे बनी है, ऐसे आप सब पे बने, और इन मिशनरियों के चंगुल से आप मुक्त होइए, यही मैं कहना चाहता हूँ। जय श्री राम। तो अभी आपने देखे जिस तरह से फरहारी की बात कर रहे थे, फरहार काट रहे हैं, अब ज्योति शर्मा जो अंदर जेल के अंदर चले गए, इस तरह से तमाम उन बातों पर कटाक्ष किए हैं जो भगवाधारी विचार के लोग, और जो अपने हिंदू धर्म के सारे लोगों से उन्होंने आग्रह किए कि अपने धर्म पे रहिए और देवाधिदेव महादेव ही सबसे बड़े हैं, इस तरह के आह्वान किए हैं। और कुछ जो जयचंद टाइप में जो मेंटलिटी के ऐसे व्यक्ति हैं जो बरगलाने का काम करते हैं, उनसे भी एक उन्होंने निवेदन किए हैं कि अपने समाज के प्रति ईमानदार रहिए। और बहुत सारे पास्टरों से हमने जब मुलाकात किए थे, उनका कहना था कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें नहीं है। अगर ये बात सत्य है तो इस तरह की जो लड़ाई, जो आग, जो जंग जो छिड़ गई है, इनको कौन शांत करेगा? आप अगर आप पास्टर हैं, अगर हिंदू धर्म के, अगर आप सारे लोग अगर बड़े हैं, तो इस आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाकर जो है अपने समाज के जो प्रतीक है, जो शांति का प्रतीक है, उसका परिचय दीजिए, और भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, उसको जो है शांति के वातावरण का माहौल दीजिए, और सब एक दूसरे के समाज का सम्मान करें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना समाज जो है सर्वोच्च पर ही है, और वो अपने धर्म पर रहे, और कोई किसी के समाज पर उंगली ना उठाए, और कोई धर्मांतरित करने वाला कोई विषय इस तरह से समाज में ना आए। ऐसी अगले अपडेट के लिए बने रहिए बीएलसी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।